दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और समर गार्डनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो अप्रैल में आप कुछ बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स के प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इसमें से जो पहला प्लांट है वो हमारा जीनिया का प्लांट है, जिसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस आते हैं। तो मैं कुछ जीनिया के प्लांट लाई हूँ और कुछ विंका के प्लांट्स लाई हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्लांट के कलर और वेरिएशन दिखाती हूँ जो मैंने खरीदे हैं। तो सबसे पहले जीनिया का, ये देखिए, एक रेड कलर मैंने लिया है जो बहुत ही खूबसूरत है, और ये इस तरह के एक पॉलीबैग में लगा हुआ है और लोकल सॉइल में लगा हुआ है। तो और सॉइल भी काफ़ी भुरभुरी सी है, तो इसको मुझे सॉइल नहीं चेंज करनी, बस इसको मैं पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो एक कलर मैंने ये लिया है। नेक्स्ट मैंने जो एक कलर लिया है ये ऑरेंज है, तो ये काफ़ी दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये रेड है और ये ऑरेंज है, तो ये भी कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो एक कलर मैंने ये लिया, और देखिए बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं इसमें, और प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है, बड़ी सी पॉलीबैग में है और बुशी प्लांट है। तो एक कलर मैंने ये लिया है। एक देखिए पिंक का, ये बहुत ही प्यारा शेड है, तो एक शेड मैंने पिंक का ये लिया है, तो बहुत ही यूनिक सा शेड लगा मुझे, तो मैंने एक कलर जीनिया का ये लिया है। तो जीनिया भी डॉल वैरायटी और देसी वाली दो तरह से आती हैं, तो ये दोनों मिक्स हैं। मैंने बस कलर चूज़ किए हैं, मैंने प्लांट्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, बड़े और छोटे। तो एक कलर मैंने ये लिया है पिंक कलर का। नेक्स्ट जो है ये देखिए मेरा एक विंका का प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर है। ये देखिए, मैं क्योंकि मैंने रात में शॉपिंग करी थी तो मुझे रेड लग रहा था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोशनी नहीं थी तो मैं रेड समझ के लाई थी, लेकिन ये पिंक कलर है। तो विंका भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं, हाइब्रिड विंका जो है, कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं प्लांट। तो मैंने ये भी पॉलीबैग में लगा हुआ है और ठीक ठाक साइज़ में है, बाकी जब ग्रोथ होगी तो मैं इसकी कुछ कटिंग तैयार कर लूँगी। तो एक ये विंका का प्लांट है। नेक्स्ट ये जीनिया का मस्टर्ड येल्लो कलर है, तो ये जो मस्टर्ड येल्लो है ये भी काफ़ी अच्छा शेड लग रहा था। इसमें भी दो तीन फ्लावर्स आए हुए हैं और कुछ बड्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप, बड्स भी आ रही हैं। एक फ्लावर ये स्पेंट हो गया है, तो इसमें काफ़ी, ये बुशी प्लांट है तो इसमें तीन चार फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इस तरीके से इस टाइम पे आप नर्सरी से प्लांट्स के कलर और शेड्स देखकर इनको परचेस, और ये पूरी गर्मी में आपको गार्डन को हरा भरा और कलरफुल रखेंगे। नेक्स्ट मैंने एक ये रानी पिंक कलर लिया है, तो पिंक का ये भी शेड बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर आया हुआ है, बाकी प्लांट हेल्दी है, बट्स और भी हैं देख सकते हैं आप। बाकी इसमें कुछ ये बेकार से प्लांट हैं, ये सारे मैं साफ कर दूंगी। एक विंका का ये कलर है, तो ये जो है ये बहुत ही डार्क पर्पल सा है कलर ये, और वाइट बीच में शेड है। तो विंका के मैंने दो प्लांट लिए, एक शेड ये है पर्पलिश और एक ये है डार्क पिंक। फिर मेरा जीनिया का एक मैंने ये वाइट कलर लिया, मैं शाम को इसको पानी देना भूल गई थी, इस वजह से ये मुरझा गया है। अभी मॉर्निंग में मैंने इसको पानी दिया है, जब मैंने इसको लिया था बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर था ये। अभी भी ये वाला फ्लावर मेरा स्पेंट हो गया है, बाकी देखिए छोटे छोटे कितने सारे फ्लावर्स आए हैं इसमें, और बड्स भी काफ़ी सारी हैं। और एक मैंने ये मजेंटा पिंक लिया है, ये देख सकते हैं आप, मैंने मैजेंटा पिंक लिया है। तो इस तरीके से मुझे जो जो शेड्स अच्छे लगे हैं मैंने
वो सारे शेड्स ले लिए हैं, तो आप देख सकते हैं और ये सारे ही प्लांट मुझे 20 ईच मिले हैं। मैंने जीनिया के 7 प्लांट्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लांट्स मैंने जीनिया के लिए और 2 जो हैं मैंने विनका के प्लांट्स लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एक शॉपिंग करी है समर गार्डन के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं कोचिया की पौध लाई थी, तो उसमें बहुत सारी पौध तो मर गई है, कुछ मेरे 5-6 प्लांट्स उससे तैयार हो गए हैं। बाकी मैं कोचिया के कुछ प्लांट्स और लाऊंगी, पहले मैं इनको गमले में रिपोर्ट करूंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कितने गमले बचते हैं, उस हिसाब से मैं कुछ कोचिया के प्लांट्स और लाऊंगी जो हमारे समर गार्डन को हरा भरा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से अभी नर्सरी से ये छोटे छोटे प्लांट्स ला सकते हैं जो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो सिर्फ 20 रुपीज़ में, 20 to 25 में आप ये प्लांट्स ला सकते हैं, और इसके जो भी फ्लावर सस्पेंड होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके आप फिर से इनको ग्रो कर सकते हैं। बाकी अभी भी इसको आप मिट्टी पे दबाते जाइए तो नए नए प्लांट्स आपके तैयार होते जाएंगे। तो ये छोटी सी शॉपिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।